डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13 सर्कल। मुझे चैप्टर का नेम सर्कल, सर्कल सुनते ही आपके माइंड में एक पिक्चर घूम जाती है कि अगर कोई भी एक राउंड चीज है, कोई भी एक राउंड शेप है, तो वो हम उसको कह देते हैं कि वो सर्कल है, राइट? तो बच्चे, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, जैसे दिस वन इज कॉल्ड ट्राइंगल, स्क्वेयर, रेक्टेंगल। आज हम पढ़ेंगे सर्कल। तो सबसे पहले बच्चे, हमें सर्कल अगर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम लोग सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या यूज करते हैं? सपोज दैट कोई आप राउंड शेप कुछ भी ले सकते हो, सीडी ले सकते हो, बैंगल ले सकते हो, या प्लेट ले सकते हो, घर में प्लेट सबके पास होती है, कटोरी ले सकते हो। ये मेरे पास एक सेलो टेप पड़ी है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड शेप वाले आप उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज दैट मेरे पास एक छोटी सी ऐसी बॉल पड़ी है, ठीक है, तो क्या ये हम बॉल यूज कर सकते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए? नहीं कर सकते। यस, तो सर्कल यूज करने के लिए जो प्लेन फिगर है हम उसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चे, सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों का हमें पता होना चाहिए कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर सके। तो बच्चे, ये तो थी आपके पास ऑब्जेक्ट्स जिससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स से हमें क्या चीज चाहिए? मेरे पास ये कंपास है, ठीक है। तो कंपास से हमने सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो आज हम ये सीखते हैं कि सर्कल ड्रॉ कैसे करना है कंपास से। बहुत सारे बच्चों को इसका आता भी होगा। तो बच्चे, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने अपनी कंपास खोलनी है, ठीक है। तो एक हमें नॉर्मल लेंथ ले लेनी है। तो हमें ये अभी नहीं पता कितने सेंटीमीटर का हमें सर्कल बनाना है, तो मैंने एक छोटी सी इसको ओपन किया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी पेंसिल का जो ये पिन पॉइंट है, इसको हमने यहाँ रखना है कंपास का, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो बच्चे, इस चीज में इसको ड्रॉ करने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे खुद घूमने लग जाते हैं। आपने खुद नहीं घूमना, आपने अपनी शीट को रोटेट करना है, ठीक है, तो तभी आपका सर्कल सही बनेगा। अदरवाइज क्या, आपका सर्कल जो है हिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको ये यूज करना है ऐसे, yes। तो आपने ये सर्कल यूज कर, सर्कल बनाने के लिए पेंसिल और कंपास यूज कर लिया है और शीट को रोटेट करना है, ठीक है। तो बच्चे, ये ये आपके पास ये फिगर बनी हुई है सर्कल की, ठीक है। तो वर्कशीट करने से पहले आज हम पहले सर्कल में जो जो चीजें आती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे, यहां से जो हमने कंपास रखी थी, जो एक पॉइंट मार्क हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको हम अल्फाबेट्स का कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ भी दे देते हैं, सी भी कह सकते हैं इसको, तो कोई भी नाम आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। यस, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। अब हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल के बाद एक चीज आती है, इसमें रेडियस। बच्चे, रेडियस क्या होती है? रेडियस क्या हुआ है बच्चे, अगर ये देखिए, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर अगर मैं यहां पर सर्कल को एक लाइन टच कर दूं, सेंटर से लेकर यहां एक सर्कल को टच कर दूं एक पॉइंट, और इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो वो क्या आ जाती है, उसकी रेडियस हो जाती है, राइट? यस। अगर सेम ऐसा ही डायामीटर, बच्चे डायामीटर क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, अगर यही सेम लाइन, ठीक है, सेंटर को टच कर रही है और ये दोनों तरफ से उसके एंड पॉइंट दोनों तरफ से सर्कल को टच कर दे, तो वो क्या हो जाता है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। बट ये सेंटर से क्रॉस होकर जाना चाहिए। अगर ये आपका सेंटर से क्रॉस होकर नहीं जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। अगर वो सेंटर से क्रॉस नहीं होता, सपोज दैट अब मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ठीक है, और मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, बट ये आपका डायामीटर नहीं है, ये क्या है, आपका कोर्ड है, ठीक है। यस, तो ये आप रेडियस क्या होती है,
सेंटर से स्टार्ट होकर सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करती है। ठीक है, अभी मैं रेडियस के बारे में और बहुत सी चीजें बताऊंगी। बच्चे रेडियस क्या होती है? एक रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट। रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर को सर्कल से ज्वाइन करती है। ठीक है, और एक चीज और, एक ही सर्कल में हम बहुत सारी रेडियस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने यहां पर एक ही ड्रॉ किया तो एक ही रेडियस होगी सर्कल में। नो, मैनी अनकाउंटेबल रेडियस हम लोग एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रेडियस मैंने यहां ज्वाइन की है, एक रेडियस मैं यहां भी ज्वाइन कर सकती हूँ, यहां भी बना सकती हूँ, जितनी चाहे मैं यहां पर रेडियस बना सकती हूँ। ठीक है, और रेडियस अगर एक रेडियस है तो हम उसको बोलेंगे रेडियस। एक लाइन सेगमेंट है सेंटर से सर्कल पर, तो उसको हम बोलेंगे रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कल पर बहुत सारी लाइंस है, बहुत सारे लाइन सेगमेंट है लाइक दिस। ठीक है, तो अब हम इसको बोलेंगे रेडियाई। क्या बोलेंगे इसको? रेडियाई, आर ए डी डबल आई। बच्चे रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, राइट? यस। तो अब रेडियस क्या हो गया? रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट मे बी एंडलेस, अनकाउंटेबल इन द सर्कल, राइट? यस। इसके बाद आता है बच्चे डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर क्या होता है बच्चे? डायामीटर मैंने अभी आपको बताया है, डायामीटर इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर क्या है बच्चे? एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, यस लाइक दिस, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, लाइक दिस, दिस वन एंड दिस वन। मान लो मैंने इसका नाम P रख दिया, इसका Q रख दिया, और ये आपका सेंटर O है। ठीक है, तो दो मतलब कि इसके दोनों के एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है और वो सेंटर से पास होकर जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और बच्चे ये डायामीटर है, आप लोग इसको देखिए, डायामीटर क्या है? एक रेडियस आपकी ओ से क्यू तक जा रही है, एक रेडियस ओ से लेकर पी तक जा रही है। ठीक है, तो इट मींस क्या हुआ? एक डायामीटर में दो रेडियस इंक्लूड है। ठीक है, तो डायामीटर भी रेडियस की तरह क्या है? डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस का क्या है? डबल है। डायामीटर इज अ टू टाइम्स ऑफ द रेडियस। रेडियस का डबल है। और अगर हम ये कहें कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायामीटर, रेडियस क्या है? डायामीटर का हाफ हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब ये है बच्चे, डायामीटर भी रेडियस की तरह काउंटलेस हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी जरूरी नहीं कि आपने एक ही डायामीटर बनाना है, इसमें भी बहुत सारे डायामीटर बना सकते हैं। ठीक है, यस, तो डायामीटर भी काउंटलेस है, रेडियस भी काउंटलेस है, राइट? अब बारी आती है कोर्ड। बच्चे कोर्ड क्या है? कोर्ड में ये कंडीशन होनी जरूरी है कि वो उसके दो एंड पॉइंट जो है वो सर्कल को ज्वाइन करे। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सेंटर को भी ज्वाइन करे। ठीक है, यस, तो एक तो आपको ये क्लियर हो गया, एक्स वाई ये क्या है? कोर्ड है। ठीक है, बट पी ओ क्यू भी एक कोर्ड है। डायामीटर इज ऑल्सो अ कोर्ड। डायामीटर भी एक कोर्ड है। और एक चीज और कि डायामीटर जो है सर्कल की लॉन्गेस्ट कोर्ड होती है, सबसे बड़ी कोर्ड होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द लॉन्गेस्ट कोर्ड इन द सर्कल, यू कैन गिव द आंसर दैट इज अ डायामीटर, राइट? यस, तो डायामीटर, अब मान लो मैंने यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर दी, सेंटर से पास होकर जा रही है, तो ये भी एक कॉर्ड है और साथ में डायामीटर भी है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये डायामीटर भी है, एक कॉर्ड भी है, एल एम, राइट? तो बच्चे उसके बाद आता है आर्क। आर्क क्या होता है बच्चे? आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क एक सर्कल का ही पार्ट है,
ये जो एक कर्व्ड लाइन जा रही है यहां से लेकर यहां तक, थोड़ी सी लाइन अगर हम ले लें तो इसको क्या बोल देते हैं, आर्क बोल देते हैं, राइट। और फिर उसके बाद आता है बच्चे सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है, ये जो मैंने एक सर्कल बनाया है तो ये क्या है, इसको जो बाउंड्री लाइन है ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। क्या है ये, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यस। तो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो बच्चे ये आज आप लोग सर्कल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, कल हम वर्कशीट 1 करेंगे।